सो गाइस अभी आप हमारे सामने यहाँ पे देख सकते हो ऑल न्यू सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक। जी हाँ, ये 2024 की अपडेटेड मॉडल है, 2024 की सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक। आज के इस वीडियोस में इस बाइक के बारे में कंप्लीट डिटेल जानेंगे, बताएंगे कि ऑन रोड प्राइस कितना है, लोन एंड फिनांस का क्या प्रोसीजर है, माइलेज ओवरऑल कितना निकाल कर दे देती है और क्या कुछ अपडेट हुआ है 2024 में। सबसे पहले बात करते हैं इसके हेडलाइट सेक्शन से। तो यहाँ पे इसका जो हेडलाइट सेक्शन आप देखोगे ना, इसमें अपग्रेड हुआ है। पहले हेलोजन के सेटअप में आता था, बट अब इसमें ना पूरा का पूरा एलईडी का सेटअप मिलता है। यहाँ पे देखोगे तो आपको दो तरीके का, आपको यहाँ पे इसका पूरा एलईडी का हेडलाइट सेक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे बीच में आप देखोगे तो थोड़ा सा क्रोम का फिनिशिंग आपको मिलता है और इसके साथ साथ हीरो का बेजिंग आपको दिखेगा। और वहीं टर्न इंडिकेटर सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको ये चीज़ जो है वो पूरा का पूरा बल्ब में देखने को मिलता है। इसके साथ फ्रंट की सस्पेंशन की तरफ बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे फ्रंट में फुली टेलीस्कोपिक टाइप का सस्पेंशन आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। डायमेंशंस की बात कर ले तो ये आप खुद देख लो, यहाँ पे कुछ इस तरीके का फ्रंट में टेलीस्कोपिक टाइप का सस्पेंशन मिलता है। और फ्रंट टायर साइज की बात करें तो कंपनी यहाँ पे MRF का टायर सेक्शन प्रोवाइड कराती है, 80x100 सेक्शन का, 18 इंच का आपको यहाँ पे ट्यूबलेस टायर ऑफर करती है। एलॉयज देख सकते हो कुछ इस तरीके का डिजाइन है, ड्यूअल कलर टोन के साथ आपको एलॉयज देखने को मिलेगा। ओवरऑल डिस्क ब्रेक डायमीटर की बात करें तो 240 mm के आसपास इसकी ओवरऑल डिस्क ब्रेक की डायमीटर मिलती है। और ब्रेकिंग सिस्टम यहाँ पे आप देखोगे पूरा का पूरा कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके साथ बात करते हैं इसके इंजन सेक्शन की तरफ तो यहाँ पे आप देखोगे 125cc का 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड आपको यहाँ पे इसका इंजन मिलता है। पावर की बात करें तो 10.84 PS की मैक्सिमम पावर और टॉर्क की बात करें तो 10.6 Nm की आपको मैक्सिमम टॉर्क देखने को मिलेगी। एग्जॉस्ट के पास से आप यहाँ पे देखोगे तो ऑक्सीजन सेंसर देखने को मिलता है। टोटल 5-स्पीड टॉप गियर बॉक्स के साथ मिलता है जिसमें आपको साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ मिलता है। अगर आपका स्टैंड लगा हुआ रहेगा तो आपका जो बाइक है ना वो स्टार्ट नहीं होगा। इसके साथ साथ इस साइड से अगर आपको मैं दिखा दूँ तो यहाँ पे देखोगे फ्यूल टैंक के पास देख सकते हो काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे क्रोम का बेजिंग देखने को मिलता है। सुपर स्प्लेंडर लिखा हुआ आपको 3D में देखने को मिलेगा। ग्राफिक्स की बात करें तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे ग्राफिक्स मिलता है, सिल्वर कलर में एक्सट्रिक का बेजिंग मिलेगा और ये जो ग्राफिक है कुछ लास्ट तक आपको जाता है। तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं ड्यूअल कलर टोन का यूज़ किया है। रेड कलर में आप देखोगे यहाँ पे ये जो डार्क सिल्वर है ना ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। इसके साथ साथ ये जो बाइक है BS6 फेज 2 E20 फ्लेक्स फ्यूल OBD2 के नॉर्म्स पे है। E20 यहाँ पे आप देख रहे हो, E20 मतलब होता है कि ये बाइक अगर इन केस इन फ्यूचर इथेनॉल आया तो ये इथेनॉल में भी एग्जिस्ट कर जाएगी। इसके साथ साथ फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की बात करें तो 12 लीटर के आसपास आपको इसकी फ्यूल टैंक की कैपेसिटी देखने को मिलेगी। काफ़ी ज़्यादा अच्छा डिजाइन के साथ आपको मिलता है। इस साइड से भी देखोगे तो यहाँ पे आपको सुपर स्प्लेंडर 3D में आपको यही देखने को मिलेगा। i3S टेक्नोलॉजी के साथ है और यहाँ पे आपको मिलता है प्रोग्राम्ड FI। पूरा का पूरा ये जो बाइक है वो फुली फ्यूल इंजेक्शन पे वर्क है, कार्बोरेटर सिस्टम आपको इसमें नहीं मिलता है। इसके साथ साथ आपको इसमें किक का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा और हीरो का बेजिंग आपको यहाँ पे मिलता है। रियर सेक्शन से बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर टाइप के सस्पेंशन जिसको आप अपने वेट के अकॉर्डिंग इसके सस्पेंशन को यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। रियर सेक्शन की टायर की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे कि 90x90 सेक्शन में 18 इंच का टायर देखने को मिलेगा। और वहीं ब्रेक डायमीटर की बात करें तो 130 mm के आसपास आपको इसका ब्रेक डायमीटर भी देखने को मिलता है। एग्जॉस्ट की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे एग्जॉस्ट के ऊपर ये जो प्लेट लगा हुआ है ये आपको पूरा का पूरा क्रोम का प्लेट लगा हुआ है। बाकी आपको ब्रेकिंग सिस्टम कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सीट की बात करें तो सीट पे भी आप यहाँ पे जो स्टिचिंग देखोगे ना, ये जो स्टिचिंग है ये आपको व्हाइट कलर के साथ मिलेगी। कुशन की बात करें तो कुशन वाइज काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। ये जो बाइक है सुपर स्प्लेंडर आपको स्प्लिट सीट में नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल सीट में ही देखने को मिलेगा। पीछे सेक्शन से बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे ना कि जस्ट सीट कवर के नीचे आपको हीरो का स्टिकर देखने को मिलेगा और डार्क ग्रे कलर में आपको इसका ग्रैब हैंडल देखने को मिलता है। ये जो ग्रैब हैंडल देखोगे ये पूरा का पूरा डार्क ग्रे कलर में मिलता है। पीछे के टेललाइट सेक्शन की बात करें तो ये आपको बल्ब में मिलता है, इसमें एलईडी नहीं आता है, ये आपको पूरा बल्ब में मिलता है। टर्न इंडिकेटर सेक्शन भी आपको बल्ब में और पीछे का टेललाइट सेक्शन भी आपको बल्ब में मिलेगा। गाड़ी कब मैन्युफैक्चर हुई थी यहाँ देख सकते हो 29 जनवरी 2024 में ये गाड़ी का मैन्युफैक्चरिंग हुआ है। इसके साथ साथ साइड पोर्शन से बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे लेडीज़ फुटरेस्ट मिलता है, साड़ी गार्ड मिलता है। चैन सॉकेट की बात करें तो यहाँ पे आपको फाइबर में मिलता है। अब आपको बताते हैं फाइबर का क्या बेनिफिट होता है। सपोज आपका गाड़ी कहीं धूल मिट्टी कीचड़ में लग गया, आप धोना छोड़ दिए, वहाँ पे नहीं धोए गाड़ी को तो जंग नहीं लगता है। वहीं पे अगर ये मेटल होता ना तो थोड़ा सा जंग लगने का ज़्यादा दिक्कत होता है, रस्टिंग का ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि मेटल में जब आप देखोगे कि धूल मिट्टी पानी पड़ेगा ना तो वहाँ पर रस्टिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये इसमें रस्टिंग का चांसेस नहीं है क्योंकि यहाँ पर फाइबर बॉडी यूज़ किया है।
और इसके साथ साथ यहाँ पे देख सकते हो सीट को ओपन करने के लिए आपको ये ऑप्शन है, आप यहाँ से सीट को ओपन भी कर सकते हो। और मीटर कंसोल की बात करें तो पूरा का पूरा स्प्लेंडर एक्सट्रेक वाला मीटर कंसोल मिलता है, डिजिटल मीटर कंसोल मिलेगा जिसमें दो फीचर्स मिलते हैं। दो फीचर्स अभी मैं आपको बताता हूँ। पहला तो ये i3s मोड है, दूसरा आपको रियल टाइम माइलेज शो करता है। इसमें आप अपने बाइक को कितने स्पीड पे ले चल रहे हो और उस स्पीड में आपका ये बाइक कितना माइलेज देता है वो चीज़ आपको ये बाइक में देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आप यहाँ देखोगे तो यूएसबी चार्जिंग सॉकेट मिलता है। ये देख लो, एक यूएसबी चार्जिंग सॉकेट आपको यहाँ पे मिलेगा। की का ऑप्शन यहाँ पे पूरा का पूरा मीटर डिजिटल कंसोल के साथ आता है। इस साइड देखोगे तो पास लाइट का ऑप्शन मिलता है, हाई बीम लो बीम मिलता है, टर्न इंडिकेटर मिलता है और ये हॉर्न मिलता है। हैंडल बार आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ पे हैंडल को कसने के लिए काफी अच्छा मजबूती देने के लिए चार पेंच का यूज किया है हीरो के बेजिंग के साथ। राइट साइड में देखोगे तो i3s का बटन मिलता है और यहाँ पर रेड कलर का आपको सेल्फ स्टार्ट का बटन मिलता है। तो ये आपको ओवरऑल बाइक आपको कैसा लगा सबसे पहले तो वो कमेंट सेक्शन बताना। ओवरऑल अगर लेंथ की बात करें तो 2042 mm के आसपास इसकी ओवरऑल लेंथ देखने को मिलती है। ये देख रहे हो यहाँ से कुछ इस तरीके से बाइक दिखता है, 2042 mm की ओवरऑल लेंथ मिलती है। हाइट की बात करें तो 1092 mm के आसपास इसकी ओवरऑल हाइट मिलती है। और सीट हाइट की बात करें तो 793 mm के आसपास इसकी सीट हाइट मिलती है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे 180 mm के आसपास इसकी ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। यानी आप इस गाड़ी को कहीं भी उबड़ खबड़ वाले एरिया में भी लेकर जाओगे तो इसका इंजन से नहीं सटेगा, इतना ज़्यादा अच्छा ये बनाया गया है। इसके साथ साथ इस बाइक की ओवरऑल कर्व वेट की बात करें तो ये जो बाइक है वो 125cc का है और 125cc में इसका जो कर्व वेट है वो सिर्फ और सिर्फ 123kg के आसपास आपको इसका कर्व वेट देखने को मिलता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। टॉप स्पीड की बात करें तो आप इस बाइक को इजिली 104-105 km/h के हिसाब से इसकी टॉप स्पीड को ले जा सकते हो। ओवरऑल अगर बात करें इस बाइक की माइलेज की तो कंपनी क्लेम करती है 68-70 km/l, बट मैं आपको बताता हूँ कि ये जो बाइक है ओवरऑल ये 58 किलोमीटर पर लीटर से माइलेज ज्यादा नहीं देने वाली है। तो क्या ये सच है? आपके पास भी अगर सुपर स्प्लेंडर है तो वो कितना माइलेज दे रही है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। बाकी प्राइस की बात करें तो एक शोरूम प्राइस हमारे यहाँ झारखंड में 85-89,000 के आसपास आपको हर मॉडल में अलग अलग प्राइस देखने को मिलेगा। लोन एंड फिनांस की बात करें तो आप अगर इस बाइक को फिनांस कराते हो तो आप मिनिमम 25-30,000 rupees भी डाउन पेमेंट करते हो तो आप इस बाइक को इजिली फिनांस करा सकते हो, अपने घर ले जा सकते हो। बाकी आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो आपके कितने साल का फिनांस कराना चाहते हो और आपका क्या सिविल है उस पर डिपेंड करता है। बाकी आप 25-30,000 rupees देकर किसी भी नियरेस्ट डीलरशिप से, हीरो के डीलरशिप से आप इस बाइक को परचेज कर सकते हो। तो आपको ये बाइक कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चैनल पर पहली बार हो गए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।